पार्ट दो, चीची और पोपो। पार्ट परिचय। बिल्ली को देखते ही भाग जाना चूहों का स्वभाव होता है, परंतु पोपो ने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसी तरकीब लगाई कि उसका काम भी हो गया और बिल्ली भी डर के भाग गई। जरा सोचें, अगर दुकान का मालिक मौके पर न पहुंचता तो क्या होता? समझ में आया, मुसीबत में हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। शहर के एक हलवाई की दुकान में चीची चूहे का बिल था। एक दिन गांव से चीची का मौसेरा भाई पोपो उससे मिलने आया। पोपो बहुत चतुर था और गोल मटोल भी। उसने दुबले पतले चीची से पूछा, भाई हलवाई की दुकान में रहकर भी तुम्हारा ये हाल क्यों है? चीची दुखी होकर बोला, क्या बताऊं भाई, दुकान के मालिक के पास एक बिल्ली है। वो चूहों को देखते ही पकड़ कर खा जाती है, बस उसी के डर से बिल से बाहर नहीं निकल पाता। पोपो को एक उपाय सूझा। वो खुश होकर बोला, अरे बिल्ली से क्या डरना, देखना आज मैं तुम्हारे लिए पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा लाऊंगा। पोपो की बात सुनकर चीची डर से कांपने लगा। तभी उन्हें बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनाई दी। पोपो बिना डरे बिल से बाहर निकला। बाहर उसे बिल्ली दिखाई नहीं थी, दिखाई थी ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयां, लाल लाल इमरती, करारी जलेबी, रसमलाई, समोसे, कचौड़ी और एक थाल में सफेद पनीर। पोपो पनीर की तरफ बढ़ा, तभी उसकी नजर मेज पर बैठी बिल्ली पर पड़ी, जो उसे ही घूर रही थी। मोटे ताजे चूहे को देखकर बिल्ली प्यार से बोली, प्यारे चूहे, तुम यहाँ के तो नहीं लगते। बिल्ली को अपने इतना पास देखकर पोपो को भी डर लग रहा था। किसी तरह साहस बटोर कर वो बोला, अरे मौसी कैसी हो, मैं कल ही गांव से आया हूँ, आज मेरे और भी कई साथी आ रहे हैं। और भी कई साथी? क्या वे सब भी तुम्हारी तरह ही मोटे हैं? लार टपकाते हुए बिल्ली ने पूछा। पोपो बोला, हाँ मेरे सभी दोस्त मोटे हैं। आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए मैंने अपने सभी चूहे मित्रों को बुलाया है। बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। वह बोली, तुम जन्मदिन बिल के बाहर ही मनाना, और दुकान से तुम्हें कुछ चाहिए हो तो ले जाना। पोपो ने हाँ में सिर हिला दिया। अपनी तरकीब सफल होते देख पोपो बोला, प्यारी मौसी, ये पनीर का बड़ा टुकड़ा बिल तक पहुंचा दोगी? बिल्ली ने पनीर का बड़ा टुकड़ा मुंह में पकड़ा और पोपो के पीछे पीछे चलने लगी। तभी दुकान का मालिक आ पहुंचा। बिल्ली के मुंह में पनीर देखकर वो जोर से चिल्लाया। बिल्ली घबरा गई, उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा छूट गया। पोपो पनीर लेकर सरपट बिल के अंदर घुस गया। मालिक ने बिल्ली को दुकान से बहुत दूर भगा दिया। इधर बिल के अंदर चीची और पोपो ने मजे से पनीर खाया। आओ ये भी जाने, मौसी के बच्चों को मौसेरा भाई या बहन कहते हैं, मामा के बच्चों को ममेरा और चाचा के बच्चों को चचेरा कहते हैं। चूहों के दांत बहुत पैने होते हैं और वे कहीं पर भी बिल बना सकते हैं। बिल्ली अपना रास्ता कभी नहीं भूलती। शब्द निधि। हलवाई, मिठाई बनाने वाला, बेकर और स्वीट मेकर। उपाय, तरकीब, आइडिया। मुंह में पानी आना, खाने का मन करना,
टू बी टेम्प्टेड बाय फूड, चतुर होशियार वाइज, स्वादिष्ट जो खाने में अच्छा लगे, डिलीशियस सरपट तेजी से, फास्ट साहस हिम्मत करेज। श्रुत लेखन या उच्चारण अभ्यास, स्वादिष्ट कांपना मौसेरा उपाय कचौड़ी योजना।